गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस पोयम के अंदर यह वर्णन किया गया है कि कवि एक देहात के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। शाम का समय है, उसके सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की बहुत सी कब्र पड़ी हुई है। कवि कहता है कि निर्धनता एवं अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही अभावों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। तो आइए इसको पोयम के माध्यम से समझते हैं। इस पोयम का टाइटल है फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। फ्रॉम एन एलजी, एलजी का मतलब होता है शोक गीत, रिटेन इन ए कंट्री मतलब देहात के, चर्च यार्ड मतलब कब्रिस्तान, जिसका अर्थ है एक देहात के कब्रिस्तान से लिखित शोक गीत से। तो आइए यहाँ से देखते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटी टोल्स मतलब बजती है। द नेल और उससे ज्ञात होता है, उसकी ध्वनि से यह ज्ञात होता है ऑफ पार्टिंग डे कि दिन समाप्त हो गया है। द लोविंग हर्ड, लोइंग मतलब रंभाते हुए, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड। वाइंड स्लोली, धीरे धीरे चलता है। ओवर द ली, ली मतलब हो जाएगा चारागाह। तो पशुओं का झुंड रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर धीरे धीरे चलता है। द प्लाउ मैन होमवर्ड प्लाट्स हिज वियरी वे। प्लाउ मैन मतलब किसान, होमवर्ड मतलब घर की तरफ, प्लाट्स मतलब चलता है, हिज वियरी वे मतलब अपने थके हुए रास्ते से। इसका मतलब यह हो जाएगा कि थका हुआ किसान भी घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड लिव्स मतलब छोड़ देता है द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे कब्रिस्तान से है, क्योंकि कवि जो है वह कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। टू डार्कनेस मतलब अंधकारपूर्ण, एंड टू मी मतलब मुझे। कवि कहता है कि कब्रिस्तान में अंधकार तथा मेरे अलावा कोई नहीं है। बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स, बीनीथ मतलब नीचे, रग्ड मतलब पुराने तथा भद्दे, इल्म्स का मतलब होता है देवदार के जंगली पेड़। तो कवि कहता है कि देवदार के पुराने तथा भद्दे जंगली पेड़ों के नीचे, दैट ई ट्रीज सेड, इस सदाबहार पेड़ के छाया के नीचे, वेयर हिप्स द टर्फ इन मेनी ए माउल्डरिंग हिप। वेयर मतलब जहां, हिप्स का मतलब हो जाएगा उठती है, द टर्फ मतलब हो जाएगा सूखी घास, इन मेनी ए माउल्डरिंग, माउल्डरिंग मतलब मिट्टी झड़ते हुए या टूटते हुए, हीप मतलब हो जाएगा ढेर। इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा कि उन देवदार के पेड़ों के नीचे तथा सदाबहार पेड़ों के नीचे अनेक माउल्डिंग मतलब कब्रें हैं जिन पर सूखी घास उगी हुई है और वहां से मिट्टी झड़ रही है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवर लेज, ईच इन हिज नैरो, नैरो का मतलब हो जाएगा तंग या संकरी, सेल मतलब कोठरी, फॉर इवर लेड, लेड मतलब दफनाए गए हैं। कवि कहता है कि उन तंग कोठरियों में अर्थात कब्रों में लोग हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। द रूट फोर फादर्स मतलब सभ्य पूर्वज ऑफ द हेमलेट स्लीप, हेमलेट मतलब इस छोटे से गांव के, और स्लीप मतलब सोए हुए हैं, अर्थात इसका अर्थ यह हो जाएगा कि इन संकरी कोठरियों में या कब्रों में गांव वाले पूर्वज सदा के लिए लेटे हुए हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग मॉर्न, द ब्रिजी, ब्रिजी का मतलब हो जाएगा प्रातः काल की ठंडी हवा, काल मतलब हो जाएगा आवाज, ऑफ इंसेंस मतलब सुगंधित, ब्रेदिंग मतलब हो जाएगा वायु, मॉर्न मतलब सुबह या प्रातः का, अर्थात प्रातः काल की शीतल सुगंधित हवा की आवाज।
स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो मतलब अबाबिल पक्षी, ट्विटिंग मतलब चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड मतलब सूखे तिनके से बना हुआ, शेड मतलब घोंसला। कवि कहता है कि सूखे तिनके से बने हुए घोंसलों से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। द कॉक्स श्रील क्लेरियन, मुर्गे की श्रील मतलब तीखी या तेज, क्लेरियन मतलब आवाज, मुर्गे की तेज आवाज। आर द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मतलब होता है शिकारी का, हॉर्न मतलब बिगुल या फिर शिकारी का बिगुल। कभी कहता है कि नो मोर सैल राउज, कोई भी उन्हें राउज मतलब जगा नहीं सकता है, फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके लोली बेड मतलब कब्र से। कभी कहता है कि अबाबिल पक्षियों का चहचहाना, मुर्गे की तेज आवाज या फिर शिकारी का बिगुल, कोई भी उनको उनकी कब्र से उठा नहीं सकता है, जगा नहीं सकता है। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, या फिर यहाँ मतलब यह है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मार्क मतलब उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी टॉयल मतलब श्रम को। देयर होमली जॉय, उनके होमली मतलब साधारण से, जॉय मतलब आनंद का। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, डेस्टिनी मतलब उनके भाग्य का, ऑब्स्क्योर मतलब जो अंधकारपूर्ण है, तथा उनके अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार पुनः देखिए, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इन निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी श्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग का उपहास नहीं करना चाहिए। नार ग्रेंडियोर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। कभी कहता है कि ना तो ग्रेंडियोर मतलब धनी व्यक्तियों को सुनना चाहिए, विथ ए डिसडेनफुल स्माइल, एक घृणा भरी हुई मुस्कुराहट के साथ, द शॉर्ट एंड सिंपल मतलब छोटे से और साधारण, एनल्स मतलब इतिहास को, ऑफ द पुअर मतलब इन गरीब व्यक्तियों के, अर्थात धनी व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे और साधारण इतिहास को घृणा पूर्वक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। और अंतिम पैसेज में कभी कहता है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब होता है उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। तो कभी कहना चाहता है कि उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले, द पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का दिखावा करने वाले, अपनी शक्ति का आडंबर करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और ऑल दैट, वे सभी लोग जिनके पास ब्यूटी मतलब सुंदरता है, अर्थात वे सभी सुंदर व्यक्ति। ऑल दैट वेल्थ इवर गेव, और वे सभी लोग वेल्थ इवर गेव, जिनके पास धन है, अर्थात वे सभी धनी व्यक्ति। अवेट्स एलाइक द इनवाइटेबल आवर, अवेट्स मतलब प्रतीक्षा करती है, एलाइक मतलब एक समान, द इनवाइटेबल आवर का मतलब हो जाएगा मृत्यु, मृत्यु सबका एक समान प्रतीक्षा करती है। द पास ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब हो जाएगा वैभव, वैभव के मार्ग लीड मतलब लेकर जाते हैं, बट टू द ग्रेव, लेकिन कब्र से होकर, ग्रेव मतलब कब्र, वैभव के मार्ग कब्र की ओर से होकर जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है।